पौड़ी गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 14 अक्टूबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। एनएसयूआई ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए अर्जुन गोदियाल, महासचिव के लिए प्रियांश रावत, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए अमन नयाल और उपाध्यक्ष पद के लिए रंजीत निषाद को मैदान में उतारा है। दरअसल छात्र संगठन चुनाव के लिए 6 और 7 अक्टूबर को नामांकन भरे जाने हैं, जबकि 14 अक्टूबर को मतदान है और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सभी को पता है कि पिछले कई सालों से एनएसयूआई ही जीतती आ रही है। लगभग करीबन 6-7 सालों से एनएसयूआई जीतती आ रही है और जीत किसी की तभी होती है जब वो परिसर में कार्य कर रहा हो। जैसे कि पिछली बार भी हमारे जो एनएसयूआई के पैनल से जीते हुए हैं, उन्होंने भी परिसर में जितने भी वादे करे थे बच्चों से, वो उन्होंने सारे के सारे पूरे करे हैं। और मैं भी बच्चों से जितने भी वादे कर रहा हूँ, जितनी भी समस्याओं को लेकर के मैं वादे कर रहा हूँ और बच्चों से बोल रहा हूँ कि मैं ये चेंजेस करूँगा कैंपस में, वो अगर यदि मैं जीतता हूँ तो मैं वो 100% उसमें चेंजेस करूँगा और उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊँगा। पौड़ी परिसर में छात्र संघ चुनाव 2023-24 के लिए भारतीय छात्र संगठन ने अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद पर, महासचिव पद पर और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर, जो जिन प्रत्याशियों का हमने चयन किया, आज हम उनकी अधिकृत घोषणा इस अपने कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर हम लोग अर्जुन गोदियाल, सचिव पद पर प्रियांश रावत और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर हम अमन नयाल को टिकट।